आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चटपटी अरबी की रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोल्टेस किचन में। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पानी को गर्म कर लेंगे। आप कढ़ाई बगुना कोई सा भी बर्तन ले सकते हो। आज हम अरबी को भाप में पकाने वाले हैं। पानी अच्छे से गर्म हुआ है। अब इसके ऊपर हम दूध ढकने वाली प्लेट रखेंगे। आप छलनी भी रख सकते हो। अरबी को मैंने अच्छे से 2-3 बार धो लिया है। अब इसके ऊपर अरबी रखेंगे और ढककर इसे भाप में 12 से 15 मिनट पका लेंगे। देख लेते हैं अरबी पकी है क्या। अरबी अच्छे से पकी है, अब इसे निकाल लेते हैं। अरबी को ठंडा कर लेंगे। अब अरबी को छील लेंगे। इसी तरह से मैं सारी अरबी छील लूंगी। अरबी को जब हम उबाल कर बनाते हैं उसका स्वाद अलग आता है, और ये भाप में पकाते हैं इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। अब इसे गोलाकार में कट कर लेंगे। मोटे पतले जैसे आपको चाहिए वैसे पीस कर ले। इसी तरह से सारी अरबी को हम कट कर लेंगे। अब हम अरबी को फ्राई करने वाले हैं। उसके लिए मैंने 6-7 चम्मच तेल लिया है। तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हुआ है, अब इसमें हम अरबी को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप फ्राई करके अरबी बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसे हम साइड डिश भी बोल सकते हैं। दाल चावल के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह से मैं सारी अरबी को फ्राई कर लूंगी। आप तेल को थोड़ा कम कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। अरबी को अजवाइन का बघार लगाएंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब सूखे मिर्ची मसाले डालेंगे। इन मसालों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। सूखे मिर्ची मसाले बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब इसमें तली हुई अरबी डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे ताकि अरबी को अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए। अब अरबी को ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि हमने पहले ही इसे भाप में पका लिया है और तल भी लिया है, इसलिए यह जल्दी बन जाएगी और चटपटी अरबी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से चटपटी अरबी बनाइए और मज़े से खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।